क्या आका रोज के लोग की मचमच है, पगार इतने बढ़ाते। मैं देख लेगी। वो लोटस पार्क वाली पाटिल मैडम है ना, उसने मेरे को बुरोली 30,000 रुपया घर से चुराई, ऐसा झूठा इल्जाम लगा के मुझे काम पे से निकाल दी। ऐसे कैसे निकाल दी? तू चुराई क्या पैसा? आयशा को तक का, मैं कोई पैसा वैसा नहीं चुराई उसका। ठीक है तो छोड़ दे उसको, मैं तेरे को दूसरा घर का काम दिलाती हूँ। पक्का? उधर एक ही घर होता ना तो मैं भूल जाती थी, पर वो अपार्टमेंट में मैं 5 घर में काम करती थी। अभी पाटिल मैडम ने ऐसा बोला ना सबको, तो सबने मुझे काम पे आने से रोक दिया। पैसा चलेगा तो कैसा चलेगा आपका? मेरा बच्चा लोग तो भूखा मर जाएगा ना। तू फिक्र ना को करूँ, मैं हूँ ना, मैं सबको बोल देती है, सुषमा को जिस घर से काम से निकाला है उस घर में कोई भी काम के लिए नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे? और अगर कोई गया तो अक्का के हाथ से बहुत मार खाएगा, समझाना सबको। अक्का उधर से काम करने के लिए अगर बाहर से किसी को बुलाया तो? तेरे को उतना सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, मेरे होते हुए इधर बाहर का कोई भी टिक नहीं सकता है, समझाना सबको। हाँ चलो काम पे लग जाओ। बड़े शहरों की बड़ी चकाचौंध, बड़ी व्यस्तता, बड़ी रफ्तार। मुंबई ऐसे ही बड़े शहरों का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर चलता नहीं, दौड़ता है। और इस रफ्तार को बनाए रखने में बहुत बड़ा हाथ है डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि घर पर काम करने वाली बाई का। अगर इसमें विघ्न ना पड़े तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर घर पर काम करने वाली बाई एक दिन भी छुट्टी पर चली जाए तो रफ्तार बेकाबू होकर रुकने पर पहुंच जाती है। उच्च और मध्यम वर्ग के लोग शायद इनके बिना अपनी जिंदगी सोच भी ना पाएं। जहां एक तरफ काम करने वाली बाई इनकी जिंदगी को रफ्तार देती है, वहीं अपने घर को चलाने के लिए वो पैसा भी कमाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर ये पूरक एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं तो। अरे ओ, कहाँ जा रहे हो? ये लोटस पार्क बिल्डिंग है ना? हाँ लोटस पार्क ही है, पर कहाँ जाना है? पाटिल मैडम किधर जाना है? पाटिल मैडम क्या, कहाँ है जाना है? वो घर का काम करने के वास्ते बुलाई है। कहाँ से आई हो? लातूर से। अरे बाप रे, इतना दूर से? यहाँ से राइट मारो 10 माले पे, लेफ्ट वाला फ्लैट पाटिल साहब का, जाओ। चल अब देखते क्या होता है। इधर तुम्हारी मौसी कहाँ रहती है? उधर भिवंडी में। तो तुम दोनों भिवंडी से आया करोगी? अरे नहीं नहीं दीदी, वो मौसी बोली कि इधर आजू बाजू अगर कोई खोली रहेगा तो फिर देख ले। मैं एक काम करती हूँ, हमारा जो वॉचमैन है ना उसे बात करती हूँ, वो 2-3 दिन में खोली देख लेगा, फिर तुम दोनों वही रहना। तब तक के लिए अपनी मौसी के पास रहना, ठीक है? सामने उपाध्याय अंकल रहते हैं, 9वें माले पे खन्ना अंकल रहते हैं और 4थे माले पे व्यास अंकल रहते हैं। दोनों बुजुर्ग हैं, ज्यादा काम भी नहीं रहता है। तुम एक काम करो, तुम कल से काम पे जाओ उनके यहाँ, ठीक है? हेलो, हाँ बोलो। अरे काहे इतना बोलती हो तुम? अरे तनख्वाह आते ही 6 दिन में दे देंगे ना हम, तुम्हारा अकाउंट में डाल देंगे। अब रखा तुम? उपाध्याय जी, सर घर काम करने वाली लड़की है, पद्मा नाम है इसका, टेरेस से छलांग लगाई है। अजीब बात है, इतने ऊपर से गिर के भी खून बहुत ही कम निकला है। मतलब? लोखंडे मतलब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इसे गिरते हुए किसने देखा है? हाँ सर, सोसाइटी का वॉचमैन है, उसने देखा। इसके घर वालों को खबर की? सही सर, ये मुंबई की रहने वाली नहीं है और इसके पास कोई मोबाइल भी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। फटाफट खबर कर दो और बिल्डिंग की CCTV फुटेज भी ले लो,
सर, सीसीटीवी फुटेज के बारे में मैंने पहले ही पूछताछ की है, वो फुटेज नहीं मिल पाई थी क्योंकि सीसीटीवी कैमराज गए 2 महीने से बंद है। ये वॉचमैन से पता करो यहाँ का सेक्रेटरी कौन है। जी सर, मेरा नाम संजीव उपाध्याय है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। आप दरवाजे के बाहर वेट करिए, टेरेस का इंस्पेक्शन होने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी शायद यहाँ से पूछिए। लोखंडे, एक्सपर्ट टीम को बुलाओ और यहाँ के फिंगरप्रिंट्स ले लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके। ये दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है? खुला ही रहता है साहब, ज्यादा कोई जाता नहीं है। ज्यादा कोई नहीं जाता, कम कौन जाता है? उपाध्याय साहब सब सुबह शाम जाते हैं। सर मैं तो टहलने के लिए जाता हूँ। और कौन आता है टेरेस पे? साहब एक लड़का है जैन साहब का, अंकित, वो कभी चुपके दारू पीने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ रात में ही जाता है साहब। और तुम नहीं जाते? जाता हूँ साहब, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे वो पानी का टाकी बंद करने, पर इतने दोपहर में 2:30 बजे तो कोई नहीं जाता है साहब। ये पद्मा अकेले ही रहती थी? नहीं सर, उसकी एक छोटी बहन भी है, अभी ये लोग हफ्ते भर पहले गांव से आए हैं। क्या नाम है गांव का? लातूर। लातूर की थी साहब वो, मैंने उसको रूम दिलाया था। कहाँ है वो छोटी बहन? पता नहीं सर, उसके रूम में ही होगी। अच्छा, ये पद्मा इस सोसाइटी में और किस किस के पास काम करती थी? सर मेरे यहाँ काम करती थी मिस्टर खन्ना, मिस्टर व्यास, मिस्टर चावला और मिस्टर रवि पाटिल के यहाँ भी काम करती थी। साहब वो पाटिल मैडम ने उसे मुंबई बुलाई थी। विश्व उपाध्याय, क्योंकि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जी। लोखंडे, मिसेस पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाओ और तुम ये वॉचमैन के साथ जाकर पद्मा की बहन को पुलिस स्टेशन ले। ओके सर। साहब एक मिनट। सब ये गली वाला, सब ये पद्मा का रूम। चाबी है इसकी? चाबी नहीं है सर। देखा मैं, ताला तोड़ दो। कमरा तो बहुत छोटा है। मानिक मैडम बाथरूम में चेक करो। यस सर। सर बाथरूम में भी कोई नहीं है। हाँ लोखंडे बोलो। सर पद्मा की बहन घर पे नहीं मिली। देखो आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है वहाँ कहीं हो या फिर उन लोगों को पता हो। लोखंडे वो 10 साल की छोटी सी बच्ची है और मुंबई शहर में उसका इस तरह खो जाना उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो लोखंडे। वो पद्मा उसके छोटे बहन के साथ इधर ही रहती है ना, आज देखा है उसको? क्या मालूम साहब किधर गई, सुबह से तो देखा नहीं। साहब वो इधर कैसे मिलेगी, वो पद्मा उसको अपने साथ काम पे लेके जाती है ना। हाँ सर, मैंने ही पद्मा को गांव से बुलाया था, मेरी एक सहेली ने उसे भेजा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों उस बेचारे को यहाँ पे बुलाया। पद्मा के पहले आपके पास कौन काम करता था? सुषमा करके भाई थी, पर हमने उसे काम से निकाल दिया था। झूठा इल्जाम लगा के मुझे काम पे से निकाल दी। क्यों निकाल दिया था? वो इसलिए क्योंकि एक दिन मेम साहब काम हो गया जाती है मैं। राम राम साहब। ओके ओके, बाय बाय। सुषमा। हाँ मैम साहब। एक मिनट। हाँ तुम कुछ कह रही थी कि तुम्हें कुछ एडवांस चाहिए। हाँ चाहिए थे मैम साहब, ये लो। धन्यवाद मैम साहब। कल काम पे टाइम पे आना। हाँ
प्रियंका, प्रियंका क्या हुआ? मैंने यहाँ 30,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? 30,000? मुझे तो पता भी नहीं आपने यहाँ पे 30,000 रखे थे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है इस घर में। वो तुम्हारी सुषमा मेरे 30,000 रुपए चुराती और तुम्हें कुछ खबर नहीं। वो जब काम करने घर पे आई थी तो आप घर पर ही थे ना? घर पर ही था मैं। रवि फिर वो कैसे पैसे चुराएगी? ढूंढते हैं, यहाँ के बदले ना आपने कहीं और रखे होंगे। देखो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहीं पे रखे थे। तुम्हारे भाई ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। उसके बाद हमने उसे काम से निकाल दिया। आपने चोरी की कंप्लेंट पुलिस में की थी? नहीं। क्यों नहीं की थी? रकम बहुत ज्यादा नहीं थी तो रवि ने सोचा कि क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना है। ओ, एक बात समझ में नहीं है मिसेस पाटिल कि यहाँ पे बाई ढूंढने के बजाय आपने इतनी दूर लातूर से पद्मा को बुलाया, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल है और सुषमा यूनियन में चली गई थी तो हमारे यहाँ पे काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अजीब बात है, एक घर का काम छूटने से तुम्हारी बाई यूनियन में पहुंच गई। सर वो उस तरह की यूनियन नहीं है, इलाके की सारी काम वाली बाइयाँ एक साथ है, बस इतना ही है। और बात एक घर की नहीं है, हमारे बाद एक एक करके सब ने उसे काम से निकाल दिया था। हफ्ते भर का काम मैंने खुद किया है और मेरी ही नहीं, हम चारों के घर पे कोई काम वाली काम करने के लिए नहीं आ रही थी यूनियन के डर से। फिर मैंने अपने पहचान से पद्मा को यहाँ पे बुलाया। 17 तारीख को पद्मा यहाँ पे आ गई, तब जाके हम सबको थोड़ी राहत मिली। सर पद्मा के फिंगरप्रिंट ना तो ही टेरेस के रेलिंग पर मिले ना ही दरवाजे पर। मतलब लोखंडे, पद्मा ने टेरेस से नहीं कहीं और से छलांग लगाई है, इस तरफ की किसी बालकनी से। या हो सकता है कि पद्मा ने छलांग लगाई ही नहीं हो, किसी ने उसे उठा के फेंक दिया हो। इसका मतलब ये खुदकुशी नहीं कत्ल का मामला है। पुलिस को गुमराह करने के लिए कातिल ने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। लोखंडे, मिसेस पाटिल के मुताबिक कामवाली बाइयों की यहाँ बहुत दहशत होती है, हो सकता है उनकी पिछली बाई सुषमा का इसमें कोई हाथ हो। सोन कामले, ये सुषमा को पुलिस स्टेशन बुलाओ। और लोखंडे, ये पद्मा की छोटी बहन का कुछ पता चला? सर उसके बारे में मैंने उसकी बस्ती में बिल्डिंग में काफ़ी जगह पूछताछ की, लेकिन ना ही किसी ने उसे देखा है ना ही उसके बारे में कोई कुछ जानता है। उपाध्याय, चावला, खन्ना, इन सभी लोगों से पूछा, रवि पाटिल से भी पूछा, सिर्फ पूछा नहीं है तो मिस्टर एंड मिसेस व्यास से। क्यों सर, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? उम्र हो गई है ना, अंदर से बाहर आने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, और ये बाहर का बेल अंदर सुनाई भी कम देता है। पद्मा ने कहा था कि वो उसकी बहन को यहाँ काम पर लेकर आएगी, लेकिन मैंने कहा कि वो बहुत छोटी है, अभी से उसे काम पर मत लगाओ, यहीं छोड़ के जाओ। तो ऐश्वर्या आपके पास थी? हाँ, कुछ देर बाद वो पद्मा आई और पापा। ऐश्वर्या अंदर। ऐश्वर्या हाँ तारी। अच्छा सुन, 10-15 मिनट बाद ना ऊपर आ जाना। हाँ 10-15 मिनट बाद तो छोटी बहन भी चली गई। लेकिन उसने ऐश्वर्या को किसके यहाँ बुलाया था? शायद उपाध्याय के यहाँ से। नहीं, शायद चावला के यहाँ से, लेकिन वो खुद भी पाटिल के यहाँ चली गई। नहीं, वो कुछ याद नहीं आ रहा है साहब, कुछ याद नहीं आ रहा है। आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। आपके बेटी पद्मा का गांव में किसी के साथ मतलब कुछ दोस्ती प्यार वगैरह चल रहा था? नहीं साहब, बहुत सीधी थी मेरी बेटी, कभी किसी के तरफ नजर उठा के भी नहीं देखती। आपकी छोटी बेटी ऐश्वर्या भी गायब है, क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है कि हम उसे ढूंढ पाए? जी ठीक है, हमें जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चलता है हम जरूर आपको बताएंगे। काफी पावरफुल है तू। हाँ, 5 घरों का काम किया गया तेरे हाथ से,
तूने उस बेचारी लड़की को जान से मार दिया। मैं सताई थी उसको, मेरे पेट पे लात मारी करके। पन साहब मैं बोलती है, मैं उसको नहीं मारी साहब। सताई थी मतलब क्या किया था तूने उसके साथ? कौन आप? ए, तू है क्या? नहीं भाई, पाटिल के घर में तू ही काम करती है क्या? हाँ, क्यों? देख, तेरे को ना प्यार से बोलती है, जिधर से आई है ना उधर वापस चली जा, वरना तेरा थोबड़ा है ना उसका नक्शा बिगाड़ के रख देगी मैं, समझी? तेरे माँ बाप तेरे को और तेरी इस बहन को ढूंढ भी नहीं पाएंगे, समझा? चल अभी निकल, दिखना नहीं है यहाँ पे, चल। अरे जाना, चल। उम्र कम थी साहब उसकी, पनाकड़ बहुत बड़ी थी, मना करने के बावजूद दूसरे दिन फिर से काम पे पहुंच गई साहब। तभी हम लोग ने सोचा इसको डराने के लिए कोई दूसरा तरकीब निकालते। और जब वो तुम्हारी धमकियों से नहीं डरी तो तूने उसे टेरेस से नीचे फेंक दिया? नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोपहर को 2 बजे 24 तारीख को कहाँ थी तू? कहाँ थी तू? साहब साहब मैं उधर ही थी लोटस पार्क में, पनमा चावला मैडम के इधर गई थी मेरे काम के हिसाब का पैसा लेने के लिए। साहब हिसाब करने के लिए तुझे वही वक्त मिला था? सुबह ही नहीं जा सकती थी? चावला से हिसाब लिया या पद्मा से? साहब साहब मैं सच बोल रही है, वो सुबह सुबह ना चावला मैडम के इधर नहीं खाई रहती है साहब, उसका दोनों छोकरा दोनों बहू लोग काम पे जाता है, इसके लिए काय को इतना मचमत में जाने का करके मैं सोची दोपहर को जाने को। साहब एक तो तू सच नहीं बोल रही है और दूसरे जब तक पद्मा का कातिल पकड़ा नहीं जाता तो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगी, इसे यहीं बिठा के रखो। साहब 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 मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, साहब ऐसा जुलूम मत करो साहब, मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे पर उनको कौन देखेगा साहब? साहब मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं की साहब। यहाँ इस बिल्डिंग में कौन कौन सी भाई आती है काम के लिए? सब सुषमा और लक्ष्मी ही काम पे आती थी, और जब से सुषमा को काम से निकाल दिया तो लक्ष्मी आती थी। नहीं साहब, पद्मा को मैंने कभी कुछ भी नहीं किया साहब, वो तो यूनियन के डर की वजह से मुझे उनके साथ जाना पड़ता था साहब। जो भी कुछ किया ना वो सुषमा और कमराक्का ने किया साहब, उस दिन वो दोनों ने तो पद्मा के मुंह पर कालिक भी पोती थी। मैं मानती है साहब कि उसको हम लोग बहुत सताए, लेकिन उसके मरने से हम लोग का कोई वास्ता नहीं है साहब। 24 तारीख को तू लोटस पार्क में ही थी ना, क्या कर रही थी तू वहाँ? हाँ वो साहब मेरे को वो व्यास अंकल आंटी ने मेरे को वहाँ पे बुला लिया था। वो क्या है ना, सुषमा वहाँ पे पहले काम करती थी खाना बनाने का, और अभी पद्मा काम कर रही थी, लेकिन पद्मा का खाना उनको जमता नहीं था ना, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया था। तुमको बुलाने से फायदा क्या, क्योंकि तुम खुद वहाँ किसी को काम करने नहीं देती थी, फिर तुम कैसे उनका खाना बनाने का काम ले सकती थी? नहीं साहब, मैं वहाँ पे काम करने वाली नहीं थी, मैं किसी और को ही भेजने वाली थी वहाँ पे। क्या है ना, अंकल आंटी का बहुत उम्र हो गया है ना, तो मैं वहाँ पे गई और सोची कि किसी और को भेजूं। लेकिन तुझे ये भी पता था कि पद्मा उस वक्त वहीं उसी बिल्डिंग में थी? नहीं साहब, ये इतना सब सोच के दिमाग लगा के थोड़ी मैं वहाँ पे गई थी। वो क्या है, उस दिन का सब घर का काम मेरा हो गया था, इसलिए वहाँ पे चली गई थी मैं। उस दिन कमला आपके यहाँ किस काम से आई थी? मैंने कमला को बुलाया था, इस उम्र में तो मुझसे खाना बनाया नहीं जाता, पद्मा तो बिल्कुल गांव जैसा खाना बनाती थी। साहिब ठेका बनाना तो आती ही था, अब उसके बिना हमें नहीं चलता है। हाँ पर तो फिर मैंने कमला को कहा कि हमें कोई बाई ला के दे, तो फिर उसने कहा था कि मैं अगले दिन बाई ला के दूंगी। पुलिस कमला, लक्ष्मी और सुषमा तीनों पर नजर रखे हुए थी, लेकिन तहकीकात में तीनों की ही बात सच निकली। चावला, नायर और व्यास दंपत्ति ने उनके बयान की पुष्टि की थी, पर क्या वाकई इत्तेफाक था कि तीनों एक ही दिन एक ही समय में लोटस पार्क में मौजूद थी, या फिर ये किसी सोची समझी साजिश के तहत हुआ था? सारे पासे पुलिस की उम्मीद के विपरीत पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस का शक इन तीनों पर से हट नहीं रहा था, इन्हें बेगुनाह मानने को तैयार नहीं था। सर,
आपका शक सही निकला। पद्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ऊंचाई से गिरकर नहीं बल्कि दम घुटने के वजह से हुई है, और वो भी लगभग दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के बीच में। सोच समझ कर साजिश के तहत उसे नीचे फेंका गया। टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इस बात का फायदा भी लिया गया। लोखंडे, ये खून इतनी प्लानिंग से किया गया है कि हो सकता है ये खून इन तीनों के अलावा किसी और ने किया हो। पद्मा की छोटी बहन ऐश्वर्या का कुछ पता चला? सर, उसकी फोटो हमने सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी है और अपने खबरियों को भी काम पर लगा दिया है। जहाँ जहाँ उस लड़की को भेजने की पॉसिबिलिटी है उस हर जगह की हमने छानबीन की, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हेलो, इंस्पेक्टर शेट्टी हियर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी, ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। साहब, ये मुझे हमेशा भुलक्कड़ कहती है। अब आप लोग तो जानते हैं ना, इस उम्र में याददाश्त तो कमजोर हो ही जाती है, पर अब मुझे ठीक तरह से याद आ गया है कि पद्मा ने ऐश्वर्या को किसके यहाँ आने के लिए कहा था। अच्छा सुन, 10-15 मिनट बाद ना ऊपर आ जाना। हाँ, वो उपाध्याय साहब के घर पे, और अगर मैं नहीं रही तो कुंडी खोल के अंदर आ जाना। वो सामने पाटिल साहब का घर है ना, मैं उधर ही रहेगी, ठीक है? 24 तारीख को आपके घर पे कौन था जब वो आई थी? सर, मैं था घर पे उस वक्त, ये घर पर ही थे। मैं 12:15 बजे जॉब चली जाती हूँ। मिस्टर पाटिल, आप कितने बजे निकलते हैं और क्या काम करते हैं आप? फिलहाल मैं काम ढूंढ रहा हूँ सर। 1 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी थी, तब से घर पे हूँ, इसलिए जब बाई आती है मैं अकेला ही रहता हूँ घर पे। पद्मा आपके घर कितने बजे आई थी? रोज की तरह 12:30 बजे। और वापस कब गई थी? करीब 1:30 बजे तक। पद्मा जब आपके यहाँ घर के काम के लिए आती थी तो घर में कौन होता था? मेरी पत्नी होती थी, और उस दिन तो मैं ही था। मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए मायके गई हुई है, उसके माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ 1:30 बजे आ जाता था और काम खत्म होने तक रहता था, लेकिन उस दिन 2 बजे दुकान से अर्जेंट फोन आया, इसलिए मैं निकल गया। मतलब उस दिन पद्मा आपके यहाँ नहीं आई थी? आई थी सर, और काम भी किया था। मैंने जाते हुए उसे बोला था कि काम खत्म हो जाने के बाद दरवाज़ा बाहर से खींच के बंद करेगा, लाइट अपने आप बंद हो जाएगा, और बाहर से कुंडी लगा देंगे। पाटिल के यहाँ काम करने के बाद वो आपके यहाँ आती थी, है ना? जी सर। किस टाइप का आदमी है ये पाटिल? सर, पाटिल वैसे तो आदमी बुरा नहीं है, पर पिछले 1 साल से उसके पास कुछ काम नहीं है, ज़्यादा समय घर पे ही रहता है। पर उस दिन 24 तारीख को मैं दुकान से 5 मिनट पहले आ गया था, लगभग 1:15 बजे। तो मैं अपने घर के अंदर जा रहा था, मैंने देखा कि पद्मा पाटिल के घर में थी। मैं अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। पद्मा आधे घंटे के बाद आई, तकरीबन 2 बजे के आसपास, और 1-2 मिनट के बाद मैं निकल गया। लोखंडे, इस रवि पाटिल ने हमें पूरा सच नहीं बताया है। लगता है ये बोलेगा नहीं, उससे बुलवाना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, ये रवि पाटिल को थाने की सैर करवाने लेके जाता हूँ। तब तक तुम खन्ना और बाकी सब लोगों के फिंगरप्रिंट लेके चले आओ। ओके सर। सर, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं हुआ। ये उपाध्याय बेकार में मेरे ऊपर कीचड़ उछल रहा है, मैं तो बस उसे तसल्ली दे रहा था और कुछ नहीं। तसल्ली दे रहा था किसने? सर, वो उस दिन परेशान थी, उसने मुझसे कहा था कि वो गांव जाना चाहती है। साहब, मेरे को आपसे एक बात करनी थी। बोलो। साहब, मेरे को यहाँ पे और काम नहीं करने का है, मैं वापस गाँव जा रही है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ इलाके के सारे भाई मेरे को बहुत परेशान करते हैं साहब, मेरा मुंह भी काला कर दिया, मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती साहब, मुझे जाना है साहब। अरे तुम रो क्यों रही हो? ऐसे डरकर भागना थोड़ी चाहिए, हम सब लोग भी तो है ना यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है? देखो, तुम रोना बंद करो, ओके? जाओ अंदर जाकर मुंह धोकर आओ। मतलब तुझे उस पर तरस आ गया, तुमने उसको तसल्ली दी, उसके आंसू पोछे, उसका भरोसा हासिल कर लिया, और जब उसने तुम पे भरोसा कर लिया तुमने उस भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश की। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो सर, मैं मानता हूँ कि खन्ना के घर की चाबी मेरे पास थी, लेकिन वो चाबी उसने सारे काम खत्म करने के बाद मुझे दी थी, करीब 2:15 बजे, उपाध्याय के घर का काम खत्म करने के बाद। साहब, ये खन्ना साहब की चाबी है, उन्होंने आपको देने को बोला था। तो तुमने पक्का सोच लिया गांव जाने का?
हाँ साहब, वो आप दीदी को भी बोल दो कि कल से मैं नहीं आएगी। ठीक। चाबियां तो पद्मा ने तुझे 2:15 बजे दी थी, उस वक्त तो उपाध्याय भी जा चुका था, उस वक्त पूरा फ्लोर खाली था। इसी बात का तुमने फायदा उठाने की कोशिश की और इसीलिए तुमने हमें ये बात पहले नहीं बताई कि पद्मा तुम्हारे पास वापस आई थी, है ना? सच बोल, बोल सच। ये बदबू यहीं से आ रही है, तो ऊपर से कचरा हटवा दो। मिसेस पाटिल, क्या यही ऐश्वर्या है? हाँ सर। लोखंडे, इसकी माँ को खबर कर दो। यस सर। नहीं पता। भाई, नहीं पता था। माँ कहाँ से आए? बारिश शुरू होगी ना तो कचरे से बदबू और गंद फैलेगी, इसलिए मैं वहां सफाई करने गया था। बारिश शुरू होने में तो अभी टाइम है और तुझे अचानक से साफ सफाई का ख्याल है? हा? वो सामान तो कब से पड़ा था वहां पे? सच बता, ऐश्वर्या को तूने ही मार करवा रखा था ना? नहीं सर, सच में कहा, मैंने नहीं मारा था। पंडे बस करो, अंदर कर दो इसको। उस दिन अंदर सड़ेगा तो अपने आप सच उगलेगा, फिर वो भी बताएगा जो अब तक नहीं बताया। अरे सर, सिर्फ एक बात बताना भूल गया था अभी सर, दिमाग से उतर ही आ रहा था। कोई नई कहानी बताएगा हमें घुमाने के लिए? सर वो पद्मा है ना, 3-4 दिन से एक लड़के के साथ, वो गली में बिल्डिंग है ना सब, उधर चाय की टपरी में साथ चाय पीते थे। कौन था वो लड़का? जानता नहीं हूँ साहब। पहचान दे इसको, चाय पीने आती थी यहाँ। हाँ साहब, राजेश के साथ में आई थी 4-5 बार यहाँ। कौन राजेश, कहाँ रहते ये? कौन था ये राजेश? पद्मा इसे कैसे जानती थी और उसका इससे क्या वास्ता था? क्या राजेश का पद्मा के कत्ल से कोई ताल्लुक था? पुलिस ने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए थे और साथ ही पद्मा की माँ के फोन कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए थे। ऐश्वर्या का खून किसने और क्यों किया था, और अगर पद्मा को टेरेस से नहीं फेंका गया था तो ऐश्वर्या की लाश को क्यों और कौन टेरेस पर बेकार सामान के नीचे छुपा गया था? ऐश्वर्या की लाश मिलने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया था। पुलिस की एक अदद उम्मीद थी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। सर, लोटस पार्क से मिले हुए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट में? सर, खन्ना के घर के बालकनी में पद्मा के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, सिर्फ घर वालों के मिले। हो सकता है कि 3-4 दिनों में मिट गए हों। आगे देखो। सर, उपाध्याय के घर के बालकनी में भी पद्मा के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, लेकिन किसी अननोन शख्स के फिंगरप्रिंट्स जरूर मिले, जो ना ही पद्मा के है ना ही उपाध्याय के घर वालों के। मैंने जाते हुए उसे बोला था कि काम खत्म हो जाने के बाद दरवाजा बाहर से खींच के बंद करेगा, लाइट अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उपाध्याय के घर की चाबी किसी के पास नहीं थी और उपाध्याय भी जा चुका था, और पद्मा के निकलने के बाद दरवाजा खोला नहीं जा सकता। सर, हो सकता है कि ऐश्वर्या उपाध्याय के घर पे पहले से ही मौजूद हो और जब चाबी देने के लिए पद्मा गई हो तो उसे ढूंढते हुए ऐश्वर्या भी वहां पहुंची हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि रवि पाटिल ने उपाध्याय के घर जाकर पद्मा पर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और पद्मा को ठिकाने लगाते हुए उसे ऐश्वर्या ने देख लिया हो तो उसे भी मारना पड़ा हो। बिल्कुल हो सकता है। लोखंडे, ये रवि पाटिल के फिंगरप्रिंट्स भी ले लो और साथ में उस वॉचमैन के और उन तीनों के, कमला, सुषमा और लक्ष्मी के भी ले लो और जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट मंगवा लो। ओके सर। सर, वो लड़के को थाने लेके आए, राजेश नाम है इसका। चल, सीधा खड़ा रहा। मेरी ऐसी कोई पहचान नहीं थी पद्मा से,
मतलब दो चार दिन पहले पहचान हुई थी उससे। अच्छा, मतलब दो चार दिन की जान पहचान से तू उसे रोज चाय पिलाने ले जाने लगा। ऐसे कितने लोगों को चाय पिलाता है तू रोज? सब सिर्फ पद्मा को। मतलब मैं उसके ऊपर नजर रख रहा था क्योंकि मैं उसको बचाना चाहता था। बचाना चाहता था किससे? अपने आई से। वो उसके ऊपर गुस्सा थी ना साहब। अपने आई से क्यों बचाना चाहता था? क्या नाम है तेरी आई का? कमला। मैंने एक दिन आई की बातें सुनी। वो सब लोग है ना पद्मा के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक वो पद्मा अपने गांव भी पहुंच गई होगी। अभी देखना तेरी पाटिल मैडम कैसे नाक रगड़ते आएगी तेरे सामने। काम पे वापस आ जा करके बोलेगी देख तेरे को। अक्का सही अक्कल सिखाई तूने वो पद्मा को। अरे मेरा काम छीनने चली थी चुड़ैल कहीं की। सब मैं उसको देखने चला गया। मतलब कौन लड़की है बोल के। फिर मैंने उसके साथ बातें की। मुझे वो सीधी साधी लड़की लगी। फिर हमारी दोस्ती हो गई। उसके बाद मैं उसको चाय पिलाने ले गया। तुम घर जाने के लिए जहां से बस पकड़ते हो ना वहां से मत पकड़ना। मैं तुम्हें दूसरा बस स्टॉप दिखाता हूँ वहां से जाना। क्यों उस बस स्टॉप में क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो भाई लोग हैं ना वो तुम्हें फिर से आज परेशान करेंगे। ये सब तुझे कैसे पता? मैं इसी एरिया का हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, मुझे सब मालूम है। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कमला का बेटा हूँ करके। फिर दो दिन में मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसके बाद दो दिन में आई को बोला उसके बारे में। आई मैं दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। काय रे पोरगी पटली काय कुठली तुला? नाही म्हणजे अजून पटली नाही, लेकिन तुम लोग ने उसे इधर टिकने दिया ना तो पट जाएगी। किसके बारे में बात कर रहे रे तू? वो लोटस पार्क में काम करती है ना पद्मा, जिसको कल्टी करने के लिए तुम लोग पीछे पड़े हो। मैं क्या बोलता हूँ आपका, मतलब उसे छोड़ दो ना। कल के लिए पीछे पड़े नहीं मतलब सुन भाई समझ कर छोड़ दो। कैसे बात कर रहा है रे आपका से तू बेशरम कहीं का। अरे पद्मा के माँ के कॉल डिटेल्स आ गए। 24 तारीख को पद्मा के माँ के मोबाइल पर इस नंबर से कई बार फोन किया गया लेकिन फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। और ये फोन कॉल्स कितने बजे किए गए हैं? सर 2:15 से लेकर 2:25 के बीच में। इसका मतलब रवि पाटिल को खन्ना के घर की चाबी देने के बाद पद्मा वापस यहाँ गई थी, पर इस घर की चाबी तो पद्मा के पास नहीं थी। इसका मतलब काम खत्म होने के बाद पद्मा ने लैच अंदर से बंद कर लिया हो। और उसके बाद खन्ना के घर की चाबी देने के लिए वो पाटिल के घर गई थी और वापस आकर उसने एक कॉल किया हो, लेकिन व्यास के कहने के मुताबिक इसी टाइम के आसपास वो ऐश्वर्या को बुलाने के लिए भी घर पर आई। 24 तारीख को तू लोटस पार्क में ही थी ना? वो सब मेरे को वो व्यास अंकल आंटी ने मेरे को वहाँ पे बुला लिया था। उसका मतलब कमला को पता था कि पद्मा उपाध्याय के घर में है। सर बाकी लोगों के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई। हमारा शक सही निकला। साहब मैं सच बोलती हूँ, मैं क्यों मारेगी उस गरीब लड़की को? यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों मारा तुमने उस गरीब लड़की को। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं साहब? तू छोड़, तुझे यकीन मैं दिलाता हूँ कि हमें पता है उस लड़की को तुमने ही मारा है, क्योंकि उपाध्याय के घर में उनके परिवार और पद्मा के अलावा एक बाहर की तू ही है जिसके उंगलियों के निशान हमें उनकी बालकनी में मिले हैं। साहब वो तो हो ही सकता है ना, मैं उनके घर पे भी जाती थी बहुत बार। अच्छा
लेकिन उपाध्याय का कहना है कि उसने तुम्हारी ये शक्ल पिछले 2 महीने से नहीं देखी है और ये निशान पुराने नहीं नए हैं। मैं मारी उसको साहब, बहुत चानी बनती थी, मैं ही मारी उसको, मेरे को बहुत गुस्सा था उसको। अपना काम निपटाने के लिए तेरे को क्या लगता है मैं उन लोगों को ये बोलने का और एक मौका दूंगी कि कमला जिससे हारी उसी को अपनी बहू बना ली? हाँ, मैं जानबूझ के टेरेस का दरवाजा खुला करके आई थी ताकि पुलिस आए और पुलिस को लगे कि पद्मा टेरेस से कूदी मारी। ये तेरे जैसे गुनहगार जहाँ सोचना छोड़ देते हैं ना, पुलिस वहीं से सोचना शुरू कर देती है। जुम चाहे कोई भी हो, देर सवेर तक पुलिस के नजर में आ ही जाता है, समझे तू? पद्मा एक गरीब छोटे से घर की बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। जिन सपनों को देखते हुए वो मुंबई आई थी, उन सपनों को अधूरा लिए ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हक, जबरदस्ती और इल्जाम का ताना बाना कुछ ऐसा बना और कुछ ऐसा उलझ गया कि कौन सही है और कौन गलत, ये कहना मुश्किल हो गया। पहली गलती की रवि पाटिल ने चोरी का इल्जाम लगाकर, क्योंकि अगर वो वाकई में चोरी थी तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में की जानी चाहिए थी। दूसरी गलती की सुषमा और उसकी स्वनिर्धारित यूनियन ने। अपना बदला एक ऐसी लड़की को तंग कर उसे भगा कर लिया जिसकी कहीं कोई गलती नहीं थी। प्रियंका पाटिल की पैसा दो और काम कराओ वाली सोच और कमला के पावर के वहम के खेल में पद्मा दाव पर लग गई और इसका खामियाजा ऐश्वर्या को भी अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कमला को पद्मा और ऐश्वर्या के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन पद्मा और ऐश्वर्या की माँ अब तक इस गम से उभर नहीं पाई है। अपने अधिकारों को लेकर सजग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के अधिकारों को छीनना या दबाना बिल्कुल गलत है, और उतना ही गलत है किसी के अत्याचार को सहना। अगर पद्मा ने सही वक्त पर आवाज उठाई होती तो शायद आज पद्मा और उसकी बहन ऐश्वर्या जिंदा होते। कभी किसी की मजबूरी या सामाजिक ओहदे की वजह से उसका आदर अनादर नहीं करना चाहिए। इंसान भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है और हर इंसान को ये बात समझनी चाहिए, दूसरों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। रोज रोज नहीं एवी झंझट। अमिता बेन, तुम्हारा डस्टबिन मेरे घर के सामने है। अमिता बेन, तुम्हारा कारपेंटर आके पूरा कचरा करके जाता है। अरे, सोसाइटी में रहना है तो थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा ना। अरे संभाल के अमिता बेन। है अब पानी लाल केम छे? अरे नल खुला रह गया होगा। अरे पर पानी लाल कैसे है? इस वक्त घर में कौन होता है? उनकी बेटी या कामवाली बाई रहती है ना। बेल बजाइए जरा। खोलिए दरवाजा, खोलिए। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक्स्ट्रा चाबी है ना किसी के पास? हाँ है ना, मिसेस शर्मा के पास। मिसेस शर्मा, ये देखिए आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है ना, प्लीज लाइए ना जरा। और शरद जी को और जानवी जी को कॉल किया? आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। प्लीज खोलिए। ओ गॉड, ये जानवी जी आ गई। आ गई, आ गई। अरे शरद जी भी आ गए। हाँ, वो भी आ गए। शहरी जीवन अपने साथ लाता है कई चुनौतियां, कई संघर्ष, और लोग इसी संघर्ष के बीच किसी तरह अपने और अपने परिवार के लिए खुशी और मुस्कुराहट के दो पल ढूंढ लेते हैं। जानवी और शरद कुमार भी इन्हीं अनगिनत लोगों में से थे। रोजमर्रा की भागदौड़ में ये पति पत्नी और इनकी 3 साल की बेटी दिया
एक सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन शैली में ढल चुके थे, लेकिन एक वाकये ने इनके परिवार और जिंदगी दोनों को तहस नहस कर दिया। ये हादसा भयानक था, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक था वो हिंसात्मक और रक्तमय तरीका जिसके द्वारा इस हादसे को अंजाम दिया गया था। इस दिल दहला देने वाले मंजर ने सारे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया, लेकिन क्या कारण था इस भयानक मौत के पीछे? आखिर 3 साल की दिया वॉशिंग मशीन के अंदर पहुंची कैसे? पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। दिया क्यों नहीं उठ रही है? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? बोलो ना, ये क्यों नहीं उठ रही है? जानवी प्लीज, मामा आपके बाद आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। जानवी एक बार बात करो। मिस्टर कुमार, दिया बात करो ना। आई एम सॉरी, आई नो आपके ऊपर क्या बीत रही है, पर कुछ सवाल है जो दिया मम्मा परेशान हो रहे, प्लीज एक बार सर, कमरे से कुछ और फुटप्रिंट्स मिले। ठीक से चेक करो, बाकी कमरों में भी देखो कुछ और मिलता है तो। ठीक है सर, पता लगाओ कुछ छोटे से। आखिरी बार आपने दिया को कब देखा था? सर आज सुबह ऑफिस जाने से पहले। शरद, शरद तुम्हारा नाश्ता तैयार है। आया आया आया। यार फिर पराठे, तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता है क्या? हाँ मुझे केचप दो। दही रखी है टेबल पर वहीं। अरे मुझे केचप के साथ खाना है यार। तुम्हारी तो हमेशा से किचकिच। दिया इधर आओ। फिर केचप लेके बैठ गई। इधर आओ मम्मा के साथ, चलो बेटा जल्दी आओ। अरे अच्छा चलो नाश्ता कर, चलो 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 चलो, गुड गुड, ये लो आ जाओ बैठो यहाँ पे जल्दी, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके जल्दी, मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए पराठा। सॉरी दीदी, बस बहाने मत बनाना, तुम्हारे हमेशा के नखरे। अब जल्दी आओ, टिफिन में टिश्यू और चम्मच डाल देना जी। और हाँ, दिया को ज्यादा दूध मत पिलाना, गर्मी बढ़ गई है, समझ गई? जी समझ गई ना जी। ये तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और सिर्फ हर काम। जानवी मेरा हो गया, चल रहा है साथ में? अरे हूँ क्या यार, वी गेटिंग लेट, जल्दी तैयार हो। आ रही हूँ भाई। ओके बाबा, बाबा अब शाम को मिलेंगे। ओके चलो टिफिन दो, चलो बाय। उसका ध्यान रखना पिंकी। आपकी बाई नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? पता नहीं सर, हमने भी उसे नहीं देखा है। देखिए मिस्टर कुमार, दिया के साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं था। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर शक? शरद भाई साहब, ये देखिए, देखिए जानवी ने क्या किया। जानवी, जानवी तुमने क्या किया? पकड़ी इसको टाइट। शिंदे डॉक्टर को बुला। सर आप लोग बाहर चलिए प्लीज। नहीं मुझे नहीं जीना यार, छोड़ दो मुझे। जानवी सर, ये तो क्लियर रॉबरी का मामला है, पूरा घर बिखरा हुआ है और काम वाली बाई गायब है। इतना सब हो गया लेकिन वो कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दी, जबकि बिल्डिंग वालों के हिसाब से इस टाइम पे वो घर में ही रहती है। सर एक तो ये हो सकता है कि वो ये सब देख के घबरा के भाग गई, या तो फिर इसका पूरे चक्कर में कुछ ना कुछ लेना देना है। एक बात तो श्योर, 100% इसके पास हमारे कई सवालों के जवाब होंगे। शिंदे एक काम करो, सबसे पहले इस काम वाली भाई पिंकी को ट्रेस करो और उसके बाद ये पता लगाओ कि घर में ज़बरदस्ती घुसने के कोई निशान है या नहीं। पहले इस चोरी के एंगल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, खबरियों से पता करो कोई लोकल चोर है क्या जिसका वायलेंट बैकग्राउंड है। हो सकता है चोरी के दौरान कोई गड़बड़ हुई और बौखलाहट में चोर ने बच्ची को बेरहमी से मार दिया। सर
बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये रॉबरी का ही केस है। देखिए, ऐसे माहौल में हमें सिक्योरिटी तो टाइट करनी ही होगी। इसके लिए चाहे एक गार्ड का खर्चा और हो जाए, आप लोगों की क्या राय है? नहीं, ठीक है, सही बात है। साहब, वो उस वक्त टॉयलेट गया था, मैं शायद तभी गया था। कोई सोसाइटी में आता है और इतना बड़ा क्राइम करके चला जाता है, और तुम उतना वक्त टॉयलेट में होते हो, सोते हो क्या टॉयलेट में? सॉरी साहब, शायद ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। उनके घर की जो नौकरानी है पिंकी, जानते हो ना उसे? उस दिन क्राइम के बाद कभी दिखाई दी तुम्हें? नहीं। जानते नहीं हो या दिखाई नहीं दी? मतलब पता नहीं साहब। शरद जी, हम साथ हैं, कुछ भी बात हो बेझिझक फोन कर लीजिएगा। थैंक यू। मिस्टर शरद कुमार, सर कुछ पता चला? देखिए, फिलहाल तो ये मामला चोरी का लग रहा है, लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए भी हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपने चेक किया घर में कि कुछ सामान गायब है क्या? कीमती चीजें, कैश, ज्वेलरी वगैरह? अभी तक नहीं सर। देखिए, जब तक ये पता नहीं लगेगा तब तक हम चोरी की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकते। आपके घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि या तो चोर के पास चाबी थी या फिर किसी अंदर वाले ने ही उसे आने दिया। हमें आपकी सर्वेंट पिंकी पर शक है, लेकिन वो गायब है, और सोसाइटी में जो उसका एड्रेस है वो टेम्प्रेरी था। तो आपके पास उसका कोई एड्रेस या कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह है? नो सर। याद कीजिए, शायद बातों बातों में उसने कुछ अपने गाँव का नाम या कोई भी बात बताई हो। सॉरी सर। देखिए, इस केस के सॉल्व होने के लिए पिंकी का मिलना बहुत ज़रूरी है। वॉचमैन, क्या कहा आपने? वॉचमैन से पूछिए, वो जरूर जानता होगा। उसको और पिंकी का चक्कर चल रहा था। मैं तो खुद पिंकी को यहाँ से काम से निकालने वाली थी। छिपके रहते थे दोनों के दोनों सोसाइटी के किसी कोने में। उस दिन भी वही कर रहे होंगे। वहाँ मेरी बच्ची आगे। झूठ क्यों बोला? हाँ, क्या सोचा पुलिस को टोपी पहनाएगा? मुझे तो पहले से ही शक था कि तू झूठ बोल रहा है। बता, झूठ क्यों बोला? पहले पिंकी के साथ मिलकर चोरी की और उसके बाद दोनों ने मिलकर उस बच्ची को मार दिया, है ना? नहीं साहब, हम दोनों ने कुछ नहीं किया साहब। देख, बच्ची के मर्डर का मामला है तो हमें पूरी छूट मिली हुई है। जितनी बेरहमी से उस बच्ची को मारा गया है ना, उतनी बेरहमी से तुम दोनों से उगलवाऊंगा। तो अगर तूने किया है ना तो सीधे सीधे बता दे, वरना ये जो वॉचमैन की लाठी लेकर घूमता है ना, इससे डबल भारी पुलिस का डंडा है। देखना चाहता है कैसे पड़ता है? शिंदे, बताता हूँ। उस दिन हम दोनों पिंकी और मैं रोज की तरह। अरे सेठ के घर पे मिलते हैं ना एक दिन। क्यों? कभी तो तेरे साथ हैं? मुलायम बिस्तर पर नरम नरम गद्दे पर है? अरे इधर कोई देख लेगा ना तो डर लगता है क्या? अरे पकड़े जाने का डर हो तो और मजा आता है। करने की तंका मिलती है तुझे? तेरी लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान गई। शर्म आती है तुझे? एड्रेस दे पिंकी का। सच में साहब, हम दोनों को कुछ नहीं पता। एड्रेस दे वरना एक और चार्ज लगाऊंगा गुनाहगार को बचाने का, और फिर सजा डबल। शिंदे, वॉचमैन के बताए हुए पते पर एक टीम भेजो पिंकी को ढूंढने के लिए। सर, और वो वॉचमैन? फिलहाल के लिए छोड़ दो, लेकिन नजर रखना, अगर झूठ बोल रहा है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। अच्छा, खबरियों से आसपास के चोरों के बारे में कोई खबर मिली? सर, हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के घर से क्या चोरी हुआ है वो पता चले तो हम उस सामान को डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। डोंट वेट, इस घटना ने एरिया को हिला दिया। इससे पहले कि लोगों में डर और बढ़े, हमें इन्वेस्टिगेशन तेज करनी पड़ेगी, कातिल को ढूंढना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन आएगी और आती रहेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसी स्पीड से चलना चाहिए। इज दैट क्लियर? सर, पुलिस का मानना था कि इस वारदात के पीछे का मूल कारण चोरी ही था, और इसी संदेह पर आधारित जांच उन्हें पिंकी के गांव ले गई, जहां आखिर पिंकी उनके सामने आई और उसे तुरंत पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया। मेरा यकीन कीजिए साहब, देवा शपथ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो दिया बेबी को बहुत प्यार करती थी, बस रोज आधे घंटे के लिए विनय को मिलने जाती थी। उस दिन भी
भैया पिंकी दीदी अब भी आएगी नीचे से जाके, ठीक है? तब तक तू ये एप्पल खा, ओके? और फिर मैं नीचे गई। इसके पहले भी मैं कई बार गई थी साहब, कुछ नहीं होता था क्योंकि दिया बेबी बहुत शांत थी। टीवी लगा दो तो बस शांत होके टीवी देखती थी साहब। तो फिर जब तुम वापस आई तो क्या देखा तुमने? मैं वापस ऊपर गई नहीं साहब, उस दिन विनय के साथ बहुत लेट हो गया था। जब मैं ऊपर जाने के लिए भागी तो बस इतना ही बताया साहब, मेरा यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। लापरवाही तो की है और उसका केस भी दर्ज होगा तुम। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर शिंदे, सवाल ये उठता है कि उस घर का दरवाजा खोला किसने? क्योंकि वो बच्ची तो अपने आप अंदर से दरवाजा खोल नहीं सकती। इसका मतलब जो भी घर के अंदर घुसा शायद उसके पास चाबी थी। और फिर वो बेडरूम में मिले पैरों के निशान, वो किसके? खबरियों से कोई इन्फॉर्मेशन? सर खबरियों से जो भी नाम मिले हैं हमने उन्हें राउंड अप कर लिया है। एक काम करो, एक एक करके उन सबको इंटरोगेट करो और बेडरूम में मिले पैरों के निशान उनके फुटप्रिंट से मैच करो। सर तुम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हो, जानते हो ना अगर मेरी सनक गई तो क्या होता है? बताओ किसका काम है ये? साहब ये सब छोड़ दिया साहब, सब सच बोल रहे हो साहब, नहीं पता साहब। तो अरे साहब ये सब मुझे भी नहीं मालूम साहब, ये सब सुन के तो मैं भी डर गया साहब। और छोटे रिचार्ज तेरा क्या है? साहब मेरे को भी नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं, किसी को नहीं मालूम। इनके फुटप्रिंट्स ले लो मैच करने के लिए। ठीक है साहब। फिलहाल पिंकी पर लापरवाही का केस फाइल किया है, लेकिन उन दोनों की बातों से लगे ही रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। हमने कुछ और लोगों से भी पूछताछ की है जिनका चोरी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उनका भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हमें शक है कि शायद कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व है। अंदर का? आपके घर में कहीं पर भी जबरदस्ती घुसपैठ का कोई निशान नहीं है। अब या तो अंदर से दरवाजा खोला गया था या फिर जो भी अंदर आया था उसके पास एक चाबी थी। मोहन, मेरा मतलब सर मिस्टर मोहन शर्मा हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, एक एक्स्ट्रा चाबी हमने उनको दी हुई है। लेकिन मोहन और वृंदा? गुड, हम उनसे पूछताछ करेंगे। अब पुलिस के पास कातिल तक पहुंचने का एकमात्र सबूत रह गया था कदमों के वो निशान जो बेडरूम में पाए गए थे। देरी थी तो बस उनके किसी से मेल खाने की। नहीं नहीं सर, ये गलत है सर। इट्स अनफेयर, आपको हम क्या खूनी और क्रिमिनल सकते हैं? मोहन जी जरा शांति से, वी आर रिस्पेक्टेड पीपल, सोसाइटी में कोई क्रिमिनल्स नहीं रहते हैं यहाँ पे। हमने कब कहा कि आपके सोसाइटी में क्रिमिनल्स रहते हैं? तो सर ये आप क्या बात कर रहे हैं फुटप्रिंट्स लेने की, वो एक हैरेसमेंट ही तो है। और अगर उस बच्ची की जगह आपका बच्चा होता तो, या फिर आपके, या मैडम आपके, तभी आपको ये इन्वेस्टिगेशन हैरेसमेंट ही लगता। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दिया के कातिल को ढूंढने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए भी हो रहा है कि आगे आपकी फैमिली के साथ ऐसा भयानक हादसा ना हो। आपका काम है अपने परिवार की सुरक्षा करना और हमारा आपकी सिक्योरिटी देखना, तो आप अपना काम कीजिए और हमें अपना करने दीजिए। लेकिन सर प्लीज, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दिया के साथ जिसने भी ये किया उसे पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए। हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए दिया के कातिल को पकड़वाने में। हमें कुछ फुटप्रिंट मिले हैं और फिंगरप्रिंट किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए फुटप्रिंट ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आप मुझसे शुरू कीजिए। सर कुमार्स के बेडरूम में मिली फुटप्रिंट एक लड़के के फुटप्रिंट से मैच होती है। सर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है तो मिस्टर एंड मिसेस कुमार के घर में तुम्हारे फुटप्रिंट्स कैसे मिले? सर वो मैं हमेशा जाता हूँ, जब पिंकी बिने से मिलने नीचे जाती थी तब। क्यों जाते थे? वो छोटी मोटी चीजें लेने। सर वैसे भी वो पिंकी तो गायब हो जाती थी,
तभी मैं ही दिया पर नजर रखता था। इतनी छोटी थी वो, कुछ भी हो सकता था। नजर रखते थे तो फिर मारा क्यों उस बच्ची को? सर मैंने नहीं मारा। लेकिन तुम उस वक्त वहां पर थे, मतलब तुमने देखा तो होगा कि किसने मारा। सर ना ही मैंने उसे मारा और ना ही मैंने कुछ देखा, मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन मैं रोज की तरह 1:15 और 1:45 के बीच उसके घर जाता था। मैं बस जा ही रहा था कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा अंदर कोई है, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें ट्रीट दूंगा, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश की। अंदर गया तो मशीन ऑन था, मुझे लगा कपड़े धोने रखे होंगे। अचानक मैंने देखा बाथरूम के बाहर पर पानी लाल था, तो मैं बहुत डर गया। मैंने एक बार कोशिश की कि खोल के देखूं, पर मुझसे हिम्मत नहीं हुई। मैं सीधा बेडरूम चला गया। मुझे पता था शरद अंकल सिगरेट्स कहाँ रखते हैं। सर इसीलिए मैं भी मेरे फुटप्रिंट्स आपको मिले होंगे। सर आई सीरियसली डोंट नो दिया को किसने मारा। और क्या देखा तुमने वहाँ पे? सर और कुछ नहीं देखा सर। सर जितने भी लीड्स मिले थे सभी डेड एंड निकले। इस पिंकी और बिना की तो अपनी अलग ही कहानी है, जिसका शायद दिया के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। और वो फुटप्रिंट्स, वो भी किसी काम नहीं है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात तो समझ में आ रही है शिव, कि पिंकी घर में थी और फिर कुछ देर के लिए शिव, और शिव ने कहा कि वॉशिंग मशीन उसके आने से पहले ही ऑन था, और जब वो घर में था तब पानी ओवरफ्लो होना शुरू हुआ। इसका मतलब कातिल दिया को पहले ही मार चुका था और शिव के आने के पहले ही भाग चुका था। अब अगर कोई चोरी करने के मोटिव से आया होता तो कत्ल करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करता? और फिर कुछ लेकर भी नहीं गया, क्योंकि घर से कुछ भी गायब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चोरी का केस तो नहीं है। जो भी वहाँ आया था वो दिया को मारने के लिए आया था। मोटिव कुछ और है शिंदे। एक काम करो, पता लगाओ मिस्टर कुमार की किसी से दुश्मनी थी क्या, कोई प्रॉपर्टी का केस, रिश्तेदारों के बैकग्राउंड भी चेक करो। बिना किसी ठोस वजह के इतनी छोटी सी बच्ची को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? सर मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। और रही बात जानवी की, इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो ये पॉसिबल ही नहीं है। सर हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे साथ ही क्यों? मोहन और वृंदा के पास आना जाना था उनका। अरे जो अपना खुद का रिश्ता नहीं निभा सकते वो दूसरे से रिश्ता क्या जोड़ेंगे? अपना रिश्ता निभा नहीं सकते मतलब कहना क्या चाहती हैं? वो शरद भाई साहब और जानवी में सर वो हमेशा झगड़ते थे, आज ये अनबन कल कुछ और। जानवी जी आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और कुछ सवाल हैं जो पूछना जरूरी है। कोई बात नहीं सर, आपको जो पूछना आप पूछ सकते हैं, मैं तो सिर्फ दिया के हथियारों को पकड़वाना चाहती हूँ। देखिए हमने आपकी सोसाइटी में पूछताछ की है और आपके सभी पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर झगड़े होते थे, काफ़ी तनाव भी था। सर झगड़े किस घर में नहीं होते? लेकिन हर घर में होने वाले झगड़ों के चर्चे पूरे सोसाइटी में नहीं होते, पर आपके झगड़ों के बारे में तो पूरा मोहल्ला बातें करता है। सर ये एक प्राइवेट मैटर है। प्राइवेट था, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब कोई प्राइवेट मैटर नहीं है। सच बताइए। जी सर सच, शरद को मेरी हर बात से चिढ़ होती थी, उसने कभी मेरी कदर की ही नहीं। कुछ भी बुरा होता था, कुछ भी गलत, उसने हमेशा मुझे ही दोष दिया है, इसलिए हमारे झगड़े होते हैं। उस दिन दिया हादसे से एक दिन पहले। हाँ तुम बेकार हो, बेकार यूजलेस। अरे बार बार टाइम का रोना रोना बंद करो ना, हर एक के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। मान लो प्रॉब्लम तुम में है, तुमसे मैनेज नहीं हो सकता। अरे लुक अराउंड यार, सोसाइटी में देखो, औरतें जॉब भी करती हैं और एक नहीं दो दो बच्चे बड़े करती हैं, फिर भी अपने पति के पास उनके लिए टाइम होता है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कोशिश कर रही हूँ ना शरद, एक तरफ ऑफिस है दूसरी तरफ दिया, कहाँ से निकालूं टाइम हमारे लिए? तो क्यों पैदा किया था बच्चा? तुम ही ज्यादा चाहो था ना बच्चा पैदा करने का। पता नहीं सर उसे क्या हो जाता था, हर छोटी बात पर झगड़ा,
हर छोटी बात पर बहस, जैसे गुस्से में पागल हो गई हो, और इसी गुस्से की वजह से हमारे रोज झगड़े हुआ करते थे। ना तो मैं अच्छी बीवी बन पाई और ना अच्छी माँ बन पाई, मैं तो किसी लायक ही नहीं। बात का पतंगड़ मत बनाओ जानवी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। मुझे कोई वहम नहीं है, और बार बार ना एक ही बात दोहराना बंद करो। इतनी पागल लगती हो ना तो छोड़ दो मुझे, चले जाओ। और हाँ, अपनी बेटी को भी लेके जाना, जीना हराम कर दिया मेरा, हटो यहाँ से। सर दिया मेरा सब कुछ थी, और इसी बात से शरद को चिढ़ होती थी, चिढ़ता था उससे, हमेशा कोसता रहता था उसे। पता नहीं सर, इतना गुस्सा उसमें कहाँ से आता था, जैसे सर पर खून सवार हो गया। फिर वही चिल्लाना, गालियाँ, धमकी देना। कितनी बार वो मुझे धमकी दे चुकी थी कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, और कितनी बार उसने मुझे कहा है कि मैं दिया को लेकर घर छोड़ के चला जाऊँ। क्या आपको लगता है कि दिया के लिए शरद की चिढ़ उसे दिया को नुकसान पहुँचाने पर मजबूर कर सकती है? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पता नहीं वो गुस्से में कुछ और ही बन जाती है, उसका खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे दिमागी तौर से बीमार लोग होते हैं ना, एकदम वैसे। और उस गुस्से में वो कुछ भी कर सकती थी। साहब, आपको सर ने बुलाया है। अब यही रुकिए, मैं भी आता हूँ। शिंदे, जानवी के हिसाब से शरद को बच्चों से चिढ़ थी, और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो हर बात पर झगड़ा किया करता था। लेकिन शरद का कहना तो ठीक इससे उल्टा है, उसके मुताबिक जानवी को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं था और इसलिए झगड़े होते थे। इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। एक काम करो, शरद से पूछो कि वो मर्डर वाले दिन कहाँ था, मैं जानवी से पूछताछ करता हूँ। सर, कहाँ थी? मतलब ऑफिस में होंगी, और कहाँ? नहीं, मैं एग्जैक्ट टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ। 1:30 से 1:45 के बीच में। 1:30 से 1:45? सर लंच टाइम होता है, शायद मैं अपने कॉलिग्स के साथ लंच करने पेंट्री गई होंगी, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है सर। उस दिन जो कुछ हुआ सब धुंधला सा, मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। मैं मीटिंग में था सर। अपने ऑफिस में? जी, अपने ऑफिस में। सर, इस शरद का बर्ताव मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जानवी भी बहुत घुमा फिरा के बातें कर रही है। एक काम करो, दोनों के बयानों की जांच करो, उनके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, और उनके ऑफिस के CCTV फुटेज भी। पता करो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सर, देखिए आप ठीक से याद कीजिए, यू कैन टेक योर टाइम। नहीं सर, ज़्यादातर शरद और मैं साथ में रहते हैं, और उस दिन भी वो मेरे साथ में था। सारा CCTV फुटेज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का, इमीडिएट। जानवी, वो तो ऑफिस में थी, शी वाज एट ऑफिस ना। हमने तो उसको लंच के लिए भी बुलाया, पर वो आई नहीं, शायद उसकी तबीयत खराब थी सर। ये कितने बजे की बात थी? एक के आसपास की। सर, ये कॉल रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज। सर, शरद और जानवी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स, और ये उनके ऑफिस के CCTV फुटेजेस। क्या लगता है? मेरा शक तो अब भी शरद पे है। क्यों? सर, हमने शरद के ऑफिस के कलीग अमर से पूछताछ की थी। उसने कहा था कि वारदात के वक्त शरद उसके साथ है। फिर हमने शरद के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया, तो पता चला इंट्रोगेशन से एक दिन पहले उसने अमर से बातचीत की थी। तो हमने अमर से फिर से सख्ती से पूछताछ की। सॉरी सर, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, वो शरद ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। सर, अगर वो बेगुनाह होता तो झूठ बोलने के लिए क्यों कहता? शिंदे, शरद का ऑफिस उसके घर से काफी दूर है, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए गायब था, राइट? राइट, और वो ऑफिस वापस आया ही नहीं। इसका मतलब उसके पास इतना टाइम था कि वो अपने ऑफिस से घर पहुंचकर काम करे और वापस निकल ले, जबकि जानवी का ऑफिस उसके घर से सिर्फ 8-10 मिनट की दूरी पर है, और उसके कलीग जो लंच पर गए थे उन्होंने भी उसे आखिरी बार ऑफिस में ही देखा था। एक काम करो, जानवी के ऑफिस का CCTV फुटेज लगाओ। सर, रुको, ये देखो, ऑफिस से निकली 1:15 बजे, और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जिस फोन पर वो झगड़ रही थी शरद का है। तो फिर वो कहाँ गई? सर, यहाँ तो दोनों पति पत्नी झूठ बोल रहे हैं।
शिंदे मुझे लगता है थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने की जरूरत है। एक काम करो, बुलाओ दोनों को फिर से। सर ये सब क्या है, इस तरह मुझे लॉकअप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम सिर्फ जवाब दोगे, समझे? झूठ क्यों बोला? और अमर से भी झूठ बुलवाया, क्या छुपाना चाहते थे? यही कि दिया का मर्डर तुमने किया है? सर मैं अपनी बच्ची को क्यों मारूंगा? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। एक बार झूठ बोल चुके हो, दोबारा वो गलती मत करना, समझे? हमारे पास तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज है, तुम किसी मीटिंग में नहीं थे। सर एक झूठ बोला मैंने, मेरी कोई मीटिंग नहीं थी, मैं फिल्म देखने गया था। फिल्म? सर रोज वही ऑफिस वही घर, जानवी से झगड़े, मैं तंग आ गया था सर, मुझे बस अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। लेकिन झूठ क्यों बोला? तो और क्या बोलता सर, वहां मेरी बच्ची मर रही थी और मैं फिल्म देख रहा था। साबित कर सकते हो कि फिल्म देख रहे थे? फिल्म का नाम बता सकता हूँ, थिएटर का नाम बता सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमारे पास है तुम्हारे फोन कॉल रिकॉर्ड्स और जानवी के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज। 1:10 पर जानवी ने तुम्हें कॉल किया था, क्या बात हुई थी दोनों की? सर जानवी फिर से टेंशन ले रही थी, मुझे लगा हर बार की तरह वो छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही होगी, लेकिन काश इस बार मैंने उसकी बात मान ली होती। कौन सी बात? शरद 12-13 को और ट्राई कर चुकी हूँ, वो पिंकी फोन ही नहीं उठा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दिया ठीक तो होगी ना? अरे वो निकम्मी पता नहीं वॉचमैन के साथ फिर से, प्लीज तुम घर जाके चेक कर सकते हो? अरे यार मैं बिजी हूँ, और तुम्हें टेंशन हो रही है ना इतनी, तो तुम जाके देखो। शरद मैं नहीं जा सकती, अभी क्लाइंट मीटिंग है मेरी। क्लाइंट मीटिंग? और मैं यहाँ पे मक्खियां मार रहा हूँ क्या बैठ के? एक बात समझ लो, मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट मीटिंग और टेंशन तुम्हें हो रही है ना, देन प्लीज गो, मुझे तंग मत करो। हेलो शरद, मेरा घर से वक्त पर ऑफिस पहुंचना इम्पॉसिबल था सर, मुझे क्लाइंट मीटिंग की तैयारी भी करनी थी, और शरद समझने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए था, जो मेरी बेटी आज मेरे साथ होती। लेकिन तुम कहीं तो गई थी, हमारे पास तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज है, कहाँ गई थी? मेरे कलीग्स लंच करने पेंट्री गए थे, उन्होंने मुझे भी बुलाया था लेकिन मैंने मना कर दी, मैं थोड़ा वक्त अकेले बिताना चाहता, ऊपर से मुझे शरद में गुस्सा आ रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे पार्क में बैठने चली गई और फिर जल्दी ही वापस ऑफिस में भी आ गई थी। इतने में मुझे फोन आया दिया के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, अरे मुझे घर चले जाना चाहिए था, मैंने अपनी बेटी खो दी, मैंने दिया को खो दिया। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि दिया का कातिल उसी के माँ बाप में से कोई एक है, लेकिन कौन, ये एक उलझा हुआ रहस्य बनता जा रहा था। शरद का झूठ पकड़ा गया था और इसीलिए शक का शिकंजा उसे ज्यादा तेजी से घेर रहा था, लेकिन एक अहम कड़ी की पुलिस को अब भी तलाश थी, और वो थी इस कत्ल का मोटिव, कत्ल की वजह। आखिर वो क्या वजह हो सकती थी कि जो एक माँ या पिता को अपनी ही संतान की इतनी बेरहमी से जान लेने पर मजबूर कर दे। बदकिस्मती से हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां संगीन से संगीन अपराध आम बन चुका है और गहरे से गहरा रिश्ता खोखला। सर हर एंगल की जांच कर ली लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, दोनों में से किसी की भी शादी के बाहर कोई अवैध संबंध नहीं है, ना ही किसी के सर पे कोई लोन। सर दोनों के बैंक स्टेटमेंट, ऐसी कोई वजह नहीं है कि इन दोनों में से किसी ने भी इतना संगीन कदम उठाना चाहिए, दोनों के बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। शायद हम दाग देख नहीं पा रहे हैं शिंदे, फोन कॉल रिकॉर्ड दिखाओ। सीसीटीवी फुटेज सर। कौन है शरद? इंस्पेक्टर झा।
लेकर चलो। सर, सर मैंने क्या किया? सर मुझे क्यों? क्योंकि अब तक हम गलत डायरेक्शन में देख रहे थे। या की मौत से पहले के तुम्हारे फोन कॉल रिकॉर्ड्स, लेकिन उसके खून के बाद वाले फोन कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर साफ पता चलता है कि जब दिया का खून हुआ था उस समय तुम इसी एरिया में थी। तुम्हारे पड़ोसियों के वो सारे मिस कॉल जो तुमने अपने फोन पर रिसीव किए थे वो इसी एरिया में ट्रेस किए गए हैं, जिनका तुमने अपने ऑफिस वापस जाकर रिप्लाई किया था। और इसीलिए तुम्हारा ऑफिस अपने घर के ज्यादा पास होने के बावजूद तुम और शरद एक ही टाइम पर घर पहुंचे थे। सर ये क्या बकवास? बकवास नहीं है, हमने तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और हमने उस पल को गौर से देखा है जब तुम्हारे फोन पर तुम्हारे पड़ोसियों का फोन आया था। वो पल जब तुम्हें तुम्हारी बेटी की मौत की खबर मिली थी, इतनी बुरी दिल दहला देने वाली खबर सुनने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर कोई सदमा नहीं था, कोई पैनिक नहीं था। जितनी बौखलाहट अभी है ना तुम्हारे चेहरे पर, उसकी 10% बौखलाहट की झलक भी उस पल उस समय तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसे मालूम था कि दिया के साथ क्या हुआ है। शरद, तुम फंस चुकी हो जान, तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटाने में हमें जरा भी टाइम नहीं लगेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऑफिस से घर का रास्ता सड़क और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरा से भरा हुआ है, जिन्होंने तुम्हें खून से पहले ऑफिस से घर और उसके खून के बाद घर से वापस ऑफिस जाते हुए रिकॉर्ड किया है। और तुम्हारी जान पहचान वालों में से कोई ना कोई तो होगा जिसने तुम्हें उस सड़क पर या बिल्डिंग में देखा होगा। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो शराफत से यहां मुंह खोल दो या फिर थाने में हम खुलवाएंगे थर्ड डिग्री के बाद। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि तुम औरत हो तो तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की जाएगी? किसी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि तुमने एक बच्चे का खून किया है, अपने खुद के बच्चे का। सर मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। मैंने मार दिया अपनी दिया को, मैंने अपने हाथों से अपनी दिया को मार दिया। थक गई थी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, ऑफिस का काम घर दिया शरद, पागल हो गई थी मैं। नाकामयाब माँ, नाकामयाब बीवी, और शरद, शरद से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी ना किसी और से। कब मेरे हाथों से सब कुछ निकल गया, सब बिगड़ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या यार इतना लेट, टाइम देखा है तुमने? हाँ यार, इसको भूख लग रही है, इतनी देर से खाना मांग रही है, कैसी माँ हो तुम? समझ में सॉरी, मैं दो मिनट दूँ बस, मैं अभी आई। सॉरी बेटा, आ करो। ये खाना है कि मजाक है? जल्दी जल्दी में कुछ भी बना दोगी क्या? तुम खाओ अपना ये सड़ा खाना। शरद, शरद सुनो तो प्लीज। दिया, मामा की काम की चीज है ना वो। शरद तुम दिया को सुला दोगे क्या? मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। यार ऐसे सुलाते सुलाते मेरी नींद उड़ जाएगी। यार ऑफिस में बहुत काम था आज, मैं थक गया हूँ, तुम इसे सुलाओ ना प्लीज। मैं शरद प्लीज। अच्छा ठीक है, दिया को मम्मा सुलाएगी, ठीक है? गुड गर्ल, आ जाओ चलो यहाँ पे नीनी कर लेते हैं, आ जाओ चलो। मान जाओ दिया, मम्मा को काम भी करना है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना यार, अरे नहीं दिक्कत किस बात की होगी? और तेरी भाभी को क्यों दिक्कत होगी? तुझे मैं इनवाइट कर रहा हूँ ना, तू बस चुप करके आ जाना। ओके बाय। जानवी, अमर का फोन आया था, वो आज शाम को ना डिनर पे आएगा, तो कुछ अच्छा सा बना लेना, कुछ चिकन विकन बना लेना, ठीक है? नहीं आज कैंसिल कर दो, आई एम ऑलरेडी टायर्ड, और ऑफिस का काम भी है तो हार्डली टाइम मिलेगा मुझे। तुम्हारी टाइम की रट फिर शुरू हो गई,
बाकी सब चीजों के लिए टाइम है तुम्हारे पास। मैं कुछ कह दूं उसके लिए टाइम नहीं है। अरे यार सैटरडे संडे है, छुट्टी है, पूरा हफ्ता तुम्हारे पास एक सेकंड टाइम नहीं होता है मेरे लिए। एटलीस्ट वीकेंड पे तो टाइम निकाला करो। छुट्टी तुम्हारे लिए होगी शरद, वीकेंड पे मेरा काम दुगना हो जाता है। घर का और ऑफिस का दोनों काम मुझे इसी टाइम पे निपटाना पड़ता है, समझ आई तुम्हें? हद है। वाह, घर का काम? अरे मुझे लगा हमारा घर का काम हमारी कामवाली बाई करती है। अगर उसका काम भी तुम करती हो तो उसे तनख्वाह क्यों देते हैं? निकाल देते हैं ना उसे। शरद प्लीज। अरे यू शट अप यार, बहाने मत बनाओ। तुमसे नहीं होता मैनेज तो एक्सेप्ट करो, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। बस हो गया? अरे हाथ नहीं बढ़ा सकते हो, कम से कम प्रॉब्लम को समझा करो। स्टॉप इट। रोज की तरह एक नया ड्रामा शुरू मत करो, बात करने की तमीज नहीं है। चाइल्ड दिमाग खराब। और उस दिन मैंने शरद को कॉल भी किया था, अपने लिए नहीं दिया के लिए। लेकिन टेंशन उसे क्यों होगी, घर दिया सब मेरी तो जिम्मेदारी है ना, तो मुझे ही टेंशन होगी उसे क्यों। और तो उसने मुझे ही डांट के फोन काट दिया। उसके बाद मैं ही उसका ध्यान रखने के लिए घर चली गई थी। लेकिन घर पहला पड़ा रखा है, दिया चुप करो। मैं रिटायर हो चुकी। पिंकी, 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 यार ये पिंकी भी हद है। दिया चुप करो। पिंकी, पिंकी, एक घुमाव दिया, मैंने कहा ना आवाज नहीं चाहिए मुझे। दिया चुप करो। पानी में बंद नहीं हो रहा। मैंने मार अपनी बेटी को मार दिया। मेरे को आवाज नहीं चाहिए, मैंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आती है। बंद क्यों नहीं हो रहा पानी? सॉरी दीदी, बस बहाने मत बनाना। वी गेटिंग लेट। तुम्हारे हमेशा की नकली आवाज नहीं चाहिए, मैंने कहा तुम्हें एक बार में समझ क्यों नहीं आता। बेकार हो बेकार, हर एक के हाथ में 24 घंटे ही होते हैं। क्यों पैदा किया था बच्चा? अरे यू शट अप यार, मुझ पर और दुनिया भर। अरे हाथ नहीं बढ़ा सकते, कम से कम प्रॉब्लम को समझा करो। तुमसे नहीं होता मैनेज तो एक्सेप्ट करो। क्या यार, अरे हाथ नहीं बढ़ा सकते, कम से कम प्रॉब्लम को समझा करो। तुमसे नहीं होता मैनेज तो एक्सेप्ट करो। सपना हो गया, वो घर, वो शोर, वो बेबसी सब खत्म करना चाहती थी मैं खुद को भी खत्म कर देना चाहती थी। फिर अचानक एहसास हुआ कि सारा शोर ही खत्म हो गया, अपनी सांसों को महसूस कर पा रही थी मैं। फिर समझ में आया कि दिया, बेबसी ने दिया को बचाने के लिए भागी, लेकिन अचानक दरवाजा खोलने की आवाज आई। मुझे लगा पिंकी होगी, वो दिया को बचा लेगी, मैं डर गई थी, इसलिए मौका देख के मैं वहां से भाग गई। ये तो मेरे लिए सब कुछ थी, फिर मैंने ही अपनी बेटी को, सबसे लड़की गलती है, उसने मुझे पागलपन के हद तक धकेल दिया। मैंने अपनी बेटी को मार दिया। कई युगों पहले चाणक्य ने कहा था, क्रोध यमराज है, क्रोध अंत है। आज का हमारा आधुनिक जीवन रोज हमारे चारों ओर चीख चीख कर इस पुरानी कहावत का प्रमाण दे रहा है। भागदौड़, संघर्ष और परेशानियों भरे जीवन में अक्सर एक किस्म का दबाव पैदा होता है। हम में से कुछ लोग इस दबाव को झेल पाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह दबाव एक घोर अपराध की ओर धकेल देता है। आसान नहीं है आजकल जिंदगी, खासकर उन महिलाओं के लिए जो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक गृहिणी की जिम्मेदारी और खासकर एक माँ की जिम्मेदारी। अगर एक महिला मेहनत कर घर के आर्थिक विकास में योगदान कर सकती है, तो क्या यह पुरुष का फर्ज नहीं बनता कि वो घर की अन्य जिम्मेदारियों में महिला का साथ दे,
उसे सहयोग दे। शरद वाकई नेत्रहीन था जो जाह्नवी की पीड़ा देख नहीं पाया। वो नासमझ था जो अपनी पत्नी की व्यथा और उसके जज्बात को समझ नहीं पाया, और इसी बेपरवाही ने उस छोटे से परिवार को एक खौफनाक अंत तक पहुंचा दिया। क्रोध वाकई में सब नष्ट कर देता है। अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी समझ में मौजूद इस दबाव को, इस क्रोध को नजरअंदाज ना करें, सतर्क रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।